नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीपीएससी पेपर लीक मामले में जमकर विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमले किए जा रहे हैं और साथ ही साथ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात भी कही जा रही है। इसी कड़ी में बात करें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा गया और ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें युवाओं के भविष्य के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात करें तो बीपीएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी टीम का गठन हो चुका है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से अगर हम बात करें तो जितिन राम मांझी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के माध्यम से राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की बात कही गई है और ये बताया गया है कि जिसके समय में बड़े बड़े कारनामे हुए थे, बड़ी बड़ी गड़बड़ी हुई थी, आखिर आज वो किस तरह से सीएम नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल उठा सकते हैं। आपको बताएं कि अपने इस ट्वीट में जतन राम मांझी ने लिखा है कि जिसके शासनकाल में बीपीएससी सीएम हाउस की कठपुतली बन गई थी, रिजल्ट सेटिंग के कारण बीपीएससी अध्यक्ष तक को जेल जाना पड़ा, आज वही लोग सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर सरकार कार्रवाई कर रही है, युवाओं के भविष्य से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा चाहे कोई हो। तो बता दें कि एक तरफ जहां बीपीएससी मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से नाराजगी जाहिर करते हुए यह कहा गया कि जो कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार युवाओं के लिए काम नहीं करना चाहते लेकिन उनके भविष्य के साथ खेलना बखूबी जानते हैं। और यही वजह है कि कल ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने जमकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, लेकिन आज की बात करें तो जतन राम मांझी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि उन लोगों को बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है जिन्होंने सीएम हाउस को कठपुतली बना दिया था, बीपीएससी के लोगों को कठपुतली बना दिया था और अपने इशारे पर नचाते थे। तो कई तरह के आरोप जतन राम मांझी की तरफ से लगाए गए हैं। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव पर यह हमला बोला गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सरकार अपना काम करना सही से जानती है, जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के बाद जो कुछ भी नतीजे सामने आएंगे, जिस किसी का भी नाम सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों या फिर बड़े से बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, उन पर सख्त से सख्त एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव को इस वक्त जवाब दिया गया है जतिन राम मांझी की तरफ से। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधते हुए ये कहा है जतिन राम मांझी ने कि तेजस्वी यादव को सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है और वो सरकार पर निशाना नहीं साध सकते क्योंकि हम अपना काम करना जानते हैं। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।